चारा घोटाला RC 47 से 96 मामले में CBI के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने 15 फरवरी के फैसले की तिथि निर्धारित की है। इसी सिलसिले में राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद आज रांची पहुंच गए हैं, साथ में पार्टी के प्रधान सचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव भी लालू यादव के साथ रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड RJD में उनका भव्य स्वागत किया गया है। RJD नेता राधा कृष्ण किशोर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में RJD की अपेक्षा हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले 16 विधायक RJD का हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में गठबंधन के तहत हम सिमट कर रह गए हैं। आने वाले समय में हम सबों ने मन बना लिया है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि हम किंग मेकर की भूमिका में रहें या RJD की सरकार बने, क्योंकि राज्य की जनता के सभी दलों को देखा गया है कि अब उनकी निगाहें अब RJD पर टिकी हुई है। वर्तमान में जो भाषा विवाद चल रहा है उसका RJD विरोध कर रही है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो विरोध करेगी, क्योंकि झारखंड विभाजन के समय भोजपुरी मगही बोलने वालों की अलग नहीं किया गया था और लगभग 8 जिलों में ये भाषाएं बोली जाती है। इसलिए RJD सरकार से मांग करती है कि इस राज्य में भोजपुरी मगही और अंगिका को स्थान मिले। लालू जी के मामले में सुनवाई होनी है और जो अदालती प्रक्रिया है उसमें सशरीर उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। न्यायालय का सम्मान करते हुए लालू जी और परसों वो उपस्थित होंगे न्यायालय में। जी जी, हम लोगों को फैसले का इंतजार है। जी, क्या कुछ उम्मीद है? हम लोग उम्मीद करते हैं, जितने कार्यकर्ता हैं उम्मीद करते हैं कि वो एकदम बरी होंगे, जो उनके ऊपर मुकदमा है उससे वो बरी होंगे। सभी को निर्देश मिला था सशरीर आने के लिए, कौन कौन पहुँचे हैं अभी रांची? अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुँचे हैं यहाँ पटना से, जी श्याम रजक जी हैं, जयप्रकाश यादव जी हैं, भोला प्रसाद यादव जी। जी जी, तो 7-7 साल का था सजा और 5-5 साल का ऑलरेडी ये था डोरंडा मामले में भी, क्या कुछ मामला था ऐसे? देखिए, मामला तो सर्वविदित है जी, है ना, और ये सभी लोगों के संज्ञान में है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि लालू जी बरी हो जाएंगे। बाहरी मांग रहे हैं, बिहार को फॉलो करने के लिए झारखंड अलग नहीं हुआ था। अगर बिहार को ही फॉलो करना था तो हम अलग क्यों हुए थे? हम बिहार से अपने को क्यों तुलना करेंगे? इसलिए भोजपुरी मगही और RJD तो कहता है कि मैथिली को भी शामिल करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान राज्य सरकार है वो भोजपुरी और मगही को अलग नहीं करेगी। लेकिन सरकार तो चुप बैठी हुई है, सब कुछ देख रही है। देखते जाइए क्या होता है, लेकिन हम लोग विरोध करेंगे अगर सरकार की सोच है कि भोजपुरी और मगही को अलग कर दे, तो RJD इसका विरोध कर। और देखिए, एक समय था कि 16-16 विधायक RJD के हुआ करते थे, लेकिन चुनाव में चुनावी जो निर्णय लिए गए हम सिमट के रह गए। इस बार अभय सिंह जी के नेतृत्व में लोगों ने यह फैसला किया कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, या तो हम किंग मेकर की भूमिका में रहें या फिर RJD की सरकार बने। इसलिए कि झारखंड वासियों ने अब तक सभी दलों की सरकार को देख लिया है, अब उनकी निगाहें RJD के ऊपर टिकी हुई है। अगला क्लियर है, जब झारखंड अलग हुआ था तो राज्य के 8 ऐसे जिले हैं जहां भोजपुरी और मगही बोली जाती है। अब अगर आप वर्तमान सरकार हो या जो लोग भी मांग कर रहे हो कि वो भोजपुरी को अलग कर देंगे और मगही को अलग कर देंगे, तो भोजपुरी और मगही को अलग करके झारखंड की कल्पना करना ये संभव नहीं है। RJD का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम कदापि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्थानीय नियुक्ति में भोजपुरी और मगही को अलग कर दिया जाए। सर, एक सवाल शिक्षा मंत्री बार बार, सर ऐसा नहीं लग रहा कि अभी वर्तमान सरकार में RJD कहीं अलग थलग पड़ गई है, इसकी उपेक्षा की जा रही है? देखिए, महागठबंधन है, RJD हर तरह से सरकार के साथ है,
अब सरकार को अपना राजनीतिक धर्म का पालन करना है कि वो आरजेडी को लेकर चल रही है कि नहीं चल रही है सरकार, ये देखना उनका काम है। जिस हिसाब से लग रहा है तो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं आरजेडी के, बोलते हैं हर बार बिस्तरी को मांग की हो या जो भी हो, हमेशा बोला जाता है कि आरजेडी को बस दरकिनार। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बिस्तरी में जो स्थान आरजेडी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।